स्वागत है हमारे YouTube चैनल माथा क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन जो है अगले वीडियो का आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कॉमेंट भी जरूर कीजिए और कॉमेंट्स में आप अपना डाउट को जरूर पूछें, हम उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में डाउट आपका अगले वीडियो में बना के जरूर देंगे। इससे पहले हमने इसका चैप्टर का मोशन चैप्टर का 6 वीडियो डाल चुके हैं, 5 वीडियो, ये हमारा 6th वीडियो है। इसमें हम लोग आज बात करेंगे आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर बिग और स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। आपको इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे है कवर कर रहा है, कैसे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसमें आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, टाइम आपका मे बी माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, ठीक है, सेकेंड्स, आवर, कुछ भी हो सकता है, तब वो बॉडी जो आपका है किसमें होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होता है। जैसे जस्ट एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए कि ऊपर में हमने टाइम आपको दिखाई दे रहा है 10 सेकेंड 20 30 40। देखिए पोजीशन ए ओ ए बी सी डी, चार पोजीशन हमने दिखाया है, वो आपका ओरिजिन है, यहाँ से शुरू किया है और इधर देखिएगा ये 20 मीटर 40 मीटर 60 मीटर और 80 मीटर डिस्टेंस यह आपका जो है कवर कर रहा है। तो देखिए डिस्टेंस नीचे साइड में आपका हर 10 सेकंड पे ये ऑब्जेक्ट जो है आपका 20 मीटर कवर कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा। जैसे कोई मान लीजिए आपका एग्जांपल पूछा जाएगा तो सीधे कुछ भी दे सकते हैं कि ये कार ट्रेवल एट द 60 किलोमीटर पर आवर, यानी वो कार जो है आपका हर घंटा में 60 किलोमीटर ट्रेवल्स कर रहा है। एरोप्लेन फ्लाई एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो जो एरोप्लेन होगा, ठीक है, यदि उसका स्पीड आप 100 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं तो वो एरोप्लेन हर घंटा में 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। लेकिन इसका जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ आगे पढ़ेंगे ड्रॉ करते हैं तो इस टाइप का मोशन का जो ग्राफ आता है आपका वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ये याद रखिएगा। कारण जो है आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो होता है आपका एग्जांपल डिफरेंस लिखने पूछता है, तो पहला तो आप दोनों का डेफिनेशन बताइएगा, उसके बाद ग्राफ का नेचर बताना है, एग्जांपल देना है। तो एग्जांपल आप कुछ भी ऐसे दे सकते हैं, ए मोटरसाइकिल मूविंग एट द 20 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर, एनीथिंग, आप कोई भी इस टाइप का एग्जांपल दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जस्ट ये आपका उल्टा है यूनिफॉर्म मोशन का। जैसे उसमें आप पढ़े थे कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि आप कहीं भी टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ एक अनइक्वल वर्ड यूज कर देते हैं तो डेफिनेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, हम अनइक्वल डिस्टेंस लगा दिए, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर बिग और स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइम इंटरवल आपका स्मॉल हो या कितना भी लार्ज हो, मतलब बिगर यूनिट आवर में हो सकता है या सेकंड में हो सकता है, माइक्रो सेकंड में हो सकता है, ये कोई आपका मैटर नहीं रखता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, जैसे आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, देखिए यहाँ समझा रहे हैं ड्रॉ करके, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए यहाँ उससे चलना शुरू किया, हम डिफरेंट पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। अब ये टाइम इंटरवल हम नीचे ले लेते हैं, मान लीजिए 3 पॉइंट हो गया ए बी सी, ये टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं आपका 10 सेकंड ले रहे हैं, ठीक है, 10 20 30, ये हमने टाइम ले रखा है, नीचे ले लिए, 10 में बढ़ रहा है, ये मान लीजिए डिस्टेंस आपका यहाँ हो गया ये 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये आपका हो जा रहा है 40 मीटर, यहाँ आ जा रहा है आपका 70 मीटर रीडिंग। तो देखिए यहाँ से यह 30 कवर किया, यहाँ से कितना कवर कर रहा है आपका 10, यहाँ से यह आपका 30 कवर कर रहा है। तो देखिए हर टाइम इंटरवल में आपका 10 सेकंड बढ़ रहा है, डिस्टेंस कवर अनइक्वल मिल रहा है आपको, तो ये जो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हुआ। ये आपको मिलेगा जैसे व्हेन ए बॉडी मूव इन ए बिजी रोड,
कोई भी गाड़ी व्हीकल्स देखेगा जब बिजी रोड में चलता है तो उसका स्पीड हमेशा घटता बढ़ता है, जो वेरिएबल स्पीड हम लोग जिसको कहते हैं या वेलोसिटी बोलेंगे, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। कारण वो कभी भी जो है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं कर सकता। या आप देखते हैं जब सफर कर रहे हैं जर्नी कर रहे हैं बस में, तो जैसे धीरे धीरे क्या है एस्टोपेज को लीव करता है तो स्पीड बढ़ता है, ठीक है, तो वो नहीं डिस्टेंस कवर उसका टाइम इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जैसे देखिएगा नेक्स्ट एस्टोपेज आता है तो क्या स्पीड स्लो हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन में उसका जो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उसको रखते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ध्यान दीजिएगा जब भी ड्रॉ करेंगे आगे चैप्टर में आएंगे वहां डिटेल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म का ये जैसे कर्व मिलेगा टेढ़ा मेढ़ा मिलता है, तो डिफरेंस जब पूछेगा तो दोनों का डिफिनेशन ग्राफ बता दीजिएगा और एक एग्जांपल दे दीजिएगा तो डिफरेंस बन जाएगा। कारण की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है स्कूल सिग्नम में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका स्पीड के बारे में।